हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से घर पे होंगे। देखिए कि स्टॉक ढूंढ के लाया हूं जो आपको अगले 10 दिनों में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट निकाल के दे सकता है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो हमारे कंटेंट देखिए, पिछले कई दिनों से हमने जो स्टॉक आपको ढूंढ के निकाल के दिया है वो स्टॉक कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं इंट्राडे पे। जी हाँ, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स रखे थे और आज के लिए जो स्टॉक रखा है वो स्टॉक है M&M। ठीक है, M&M पे देखिए कि आज के लिए काफ़ी बड़ी मोमेंटम हो सकती है। और M&M की जो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा होगा वो वीडियो ज़रूर जाके देखिए, वीडियो कंटिन्यूसली अपलोड्स हो रहे हैं। अभी जो स्टॉक बताऊंगा वो अगले 10 दिनों के लिए पोजिशनली या फिर आप इन्वेस्टमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए कंटिन्यूसली वीडियोज़ आ रहे हैं 12 घंटा पहले, बट व्यूज़ नहीं आ पा रहा, पता नहीं क्यों। तो ज़रूर देखिए, यहाँ पर हमने M&M को रखा। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए या ना देखें, इस स्टॉक को ज़रूर वॉच कीजिए। 812 के ऊपर निकलते ये स्टॉक 820 और 825, 830, 835 तक के मोमेंटम इजीली आपको दिखा सकता है। चलिए आज के स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो स्टॉक है वो नन अदर देन इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड है। ये कंपनी एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ऑक्साइड डेरिवेटिव्स बनाती है। एथाइल अल्कोहल है इनके पास में और बहुत सारे और भी आपको प्रोडक्ट्स इनके पास में नज़र आएगा। अगर हम लोग फंडामेंटल्स की बात करें तो 3000 करोड़ की मार्केट कैप है और ओवरऑल सभी पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। दोनों पैरामीटर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, एक डिविडेंड पेयर और बिल्कुल डेट फ्री तो नहीं है, बट डेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 60% की प्रमोटर्स होल्डिंग, कोई गिरवी रखे हुए शेयर्स नहीं है। और एक जो सबसे अच्छी बात हुई है कि ये जो रेंज है ये स्टॉक तोड़ता हुआ नज़र आएगा आज के ट्रेडिंग सेशन पर, ये तोड़ता हुआ नज़र आएगा, जो कि पिछले कई महीनों से ये स्टॉक इसी जगह पर एक रेंज पर ट्रेड कर रहा। अगर ये रेंज को तोड़ता है तो बहुत बड़ी मोमेंटम आएगी और वो बहुत बड़ी मोमेंटम आप इस रेंज के आसपास में आप अपना जो टारगेट है वो लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 200 पॉइंट की मोमेंटम यहाँ से हो सकता है पॉसिबल। 1100 के ऊपर निकलते ही ये स्टॉक और भी तेज़ हो जाएगा, बिकॉज कन्फर्मेशन आ जाएगी। 1125 पे इस स्टॉक का हर्डल है, हर्डल तोड़ते ही इंडिया ग्लाइकोल एक ज़बरदस्त मोमेंटम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो पोजिशनली इस स्टॉक को आप उठा सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर हम लोग इनके फाइनेंशियल डेटा की बात करेंगे तो फाइनेंशियल डेटा बहुत अच्छा नज़र आएगा आपको। इनकी सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रही है और आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, इनकी प्रॉफिट्स भी ओवरऑल पॉजिटिव पे रह रही है, और पॉजिटिव नहीं 200 करोड़ की प्रॉफिट पिछले 2 क्वार्टर्स में, ये पूरा इंटैक्ट है COVID-19 का। तो इस पर नहीं जाएंगे हम लोग जाएंगे इसके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे। अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं जाते हैं तो 10 साल का CAGR 22% का, एक साल में 130% के रिटर्न्स इस कंडीशन के ट्रेडिंग सेशन पे 130% का रिटर्न्स बहुत मायने रखता है। बोरोविंग देखिए कंपनी कंटिन्यूसली कम कर रही है, 1100 करोड़ से 800 करोड़ पे लेके आई है। तो ओवरऑल कंडीशन बहुत अच्छा है, आप इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज स्टॉक बहुत तगड़ा स्टॉक है। 61% की होल्डिंग सिंस फ्रॉम द 2019 से 2021 दिसंबर क्वार्टर तक कोई भी प्रमोटर शेयर्स गिरवी नहीं है। अगर हम FIIs की बात करेंगे तो FIIs थोड़ा थोड़ा करके माल बेच रहे थे, बट दिसंबर 2021 के क्वार्टर में FIIs ने माल खरीदा और DIIs ने दबा के माल खरीदा। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो चलिए, ये स्टॉक ज़रूर रखिए अगले 10 दिनों के लिए आप अपने ट्रेडिंग सेशन पे, अपने पोर्टफोलियो पे और जैसे भी हो, बट आप जो ट्रेडिंग कीजिएगा उस ट्रेडिंग को क्या कीजिएगा, डिज़ाइन कीजिएगा, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। स्टॉप लॉस देखिए 990 का स्टॉप लॉस मेंटेन होगा। अगर आप 1125 पे इसे बाई करते हैं तो 990 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन होना चाहिए। अगर आप इसी तरह के क्वालिटी स्टॉक अगर विथ स्टॉप लॉस और कैसे मैनेजमेंट किया जाए ये पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ गोल्ड मेंबरशिप पे जुड़ सकते हैं, जो 599 का प्लान है। देखिए पिछले कई दिनों से हमारे स्टॉक्स ने ज़बरदस्त प्रॉफिट निकाल के दिया। 28 मार्च को गुजरात एल्केलीज को हमने बताया था 870 पे, स्टॉक ने 930 का हाई बनाया, 922-925 का हाई बनाया, तो ऑलमोस्ट 930 ही ये स्टॉक ने हाई बनाया। टाटा एलेक्सी जाके देख लीजिएगा, 8480 पे हमने कहा था, 8900 तो उसी दिन अचीव कर दिया था टाटा एलेक्सी ने। PBR जाके देखिएगा 25 मार्च का PBR, 25 मार्च के बाद में इस स्टॉक पर कितनी
कितनी मोमेंटम हुई है ये ज़रूर देख लीजिएगा, अगर आपको लगे तब आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये एक डिस्क्लेमर है, यहाँ पे जो बताया जाता है ये इन्वेस्टमेंट लर्निंग पर्पज़ पे बताया जाता है, और अगर इस पर किसी तरह की कोई आपको आपत्ति है तो आप हमारे साथ नहीं जुड़िए, बिकॉज़ यहाँ पे जो बताया जाता है ये आपको एजुकेशनल पर्पज़ पे बताया जाता है। सीखिए, समझिए, उसके बाद समझ के हिसाब से ट्रेड कीजिए। बजाज फाइनेंस बताया है 30 मार्च को, देखिए बजाज फाइनेंस पे बड़ी मोमेंटम हुई है, वहाँ पे जो अपडेट्स आते हैं उसके बाद देखिए ये ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हमारे सारे मेंबर्स जुड़े हुए गोल्ड मेंबर्स, और यहाँ पे पूरा इंट्राडे पे सपोर्ट मिलता है। जो स्टॉक हमने आपको बताया है उस पर देखिए, बजाज फाइनेंस हमने बताया था, बजाज फाइनेंस पे क्या प्रॉफिट बुक करनी है ये हमने आपको अपडेट किया था हमारे मेंबर्स को 25% ऑलमोस्ट 25%, और जैसे ही इसे स्टॉक ने 7400 का टारगेट अचीव किया हमने अपने मेंबर्स को ये कहा कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए ऑलमोस्ट 70%। जी हाँ, बुक ऑल प्रॉफिट और 75% इन बजाज फाइनेंस, 74 पे था। बहुत अच्छा एप्रिसिएशन भी मिल रहा, एक अच्छा, देखिए बहुत अच्छा लगता है कि लोग इस चीज़ से पैसे बना रहे हैं, और मैं पैसे बनाने के लिए कॉल्स या टिप्स नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज 599 की कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, आपको पता है। कॉल्स या टिप्स के लिए 10-10 हज़ार रुपया महीने पे करते हैं लोग। ये एक पूरा डिज़ाइन किया हुआ गूगल का अपना सर्विस है जो यूट्यूब चलाती है, इसे मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली रेन्यूअल होती है, आप अगर बाहर निकलते हैं तो एग्जिट हो जाते हैं, हमें कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसीलिए यहाँ पे इंडिविजुअल करना चाहता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो जुड़िएगा, अदरवाइज स्किप कीजिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, स्टॉक पे बनिएगा अपने एनालिसिस के साथ में, डिस्क्लेमर यही रहेगा, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ में आ रही है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस पर सारे पैसे लगा के बैठे रहें, एक गैम्बलिंग करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा काम है अब तक अपडेट पहुँचाना, वही मैं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग आप अपने हिसाब से कीजिएगा, बाय या सेल हमारे रिकमेंडेशन पर नहीं कीजिएगा। Thank you.